भूत होते हैं। तू पागल है, कोई भूत भूत नहीं होता यार। तूने कभी सामने से भूत देखा नहीं ना, इसीलिए ऐसे कह रही है। भूत देखेगी वो देख। ऐसे होते हैं, ये पक्का रात को भूत मिल जाती होगी। भूतनी पे वो भूत नहीं है, उसे बचपन में पोलियो हो गया था। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो रात को उसके कमरे में जाके दिखा। हाँ, और वैसे भी वॉचमैन अंकल तो अपनी ड्यूटी पर रहेंगे, तो तू उसके पास जाके हेलो बोल के आएगी उसे, जाएगी? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर भूत होते ही नहीं है तो डरना कैसा? तो लगी शर, अगर तू उसे हेलो बोल के आ गई तो पूरे समर वेकेशन में हम दोनों तेरे गुलाम होंगे। आज के बाद तो 2 महीने के लिए अपने स्कूल बंद हो रहे हैं। तू खुद सोच, पूरे 2 महीने के लिए तू जो बोलेगी हम दोनों करेंगे। अब तो तुम दोनों गए, क्योंकि ये शर्त तो मैं ही जीतूंगी। चलो देखते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, वो तो रात को ही पता चलेगा।
पता नहीं कहाँ चली गई। कहानी है मुंबई में रहने वाले आयुष की। आयुष के पिता संजय को तंत्र मंत्र और सुपर नेचुरल में बहुत यकीन था और वो अक्सर भूत प्रेत से जुड़ी बातें किया करते थे, जिससे तंग आकर आयुष की मां मिताली संजय से 2 साल पहले अलग हो गई थी। मिताली का मानना था कि संजय की बातें उसके बेटे आयुष पर बुरा असर डालेंगी। के आयुष को ये बुरे सपने कोई पहली बार नहीं आए थे। जब से उसकी मां मिताली अपने पति संजय से अलग हुई है, आयुष को अक्सर ये सपने आते रहते थे। बैठे हुए क्यों बेटा, दूध फिनिश करो ना फटाफट, चलो जल्दी करो। मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? आयुष आज स्कूल का लास्ट डे है और कल से तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली, उसके बाद तो तुम्हें घर में ही रहना है कि नहीं? और हाँ, आते टाइम ना खन्ना आंटी के यहाँ मैथ ट्यूशन के लिए जाना है, भूलना मत। ओके, ये घर की चाबी है, मुझे ऑफिस से आते टाइम देर हो जाएगी इसलिए मैं इन्हें रख रही हूँ बैग की फ्रंट पॉकेट में, भूलना नहीं। ओके, मुझे स्कूल नहीं जाना, जो अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता आयुष? सब कहते हैं कि हमारे स्कूल में भूत है। चुप करो आयुष, जब से तुम्हारे पापा घर छोड़ के गए तब से तुम उनकी तरह बातें करने लग गए हो। अब से तुम्हारा और उनका फोन पे बात करना भी बंद, मेरे सामने बात करोगे तुम उनसे, समझ गए? चलो दूध फिनिश करो अब। पर मम्मा। आयुष मैंने कह दिया ना, तुम स्कूल जा रहे हो एंड दैट्स फाइनल, डिस्कशन ओवर। Thank you.
देखा चोर कहाँ जा रहा है? क्या हुआ, डर गया मुझसे? तो बच्चों तब क्या होगा जब वो बड़े नाखून वाली गंदी भूत तुझे पकड़ लेगी? ये पता है ना, इधर अपने स्कूल में चार पैरों पे चलने वाली भूत रहती है जो रात को अपने स्कूल में घूमती है। उधर क्या देख रहा है? उधर से थोड़ी ना आएगी, वो तो रात को आती है। कहाँ जा रहा है? मेरे साथ आ, चल चल चल। अरे कुछ ही नहीं होगा, चल। और तुझे पता है चूजे, ये जो भूत है ना, वो 10 ईयर से छोटे लड़के होते ना, उन्हें पकड़ती है फिर उन्हें मार कर खा जाती है। मैं तो 12 ईयर्स का हूँ, पर तू बच कर रहना। क्या हुआ, भूत से डर गया क्या? के पास जाना है? अच्छा तुझे मम्मा के पास देता, डरपोक कहेगा या फिर मम्मा मम्मा करेगा या फिर रोता रहेगा। ये पता है ना, इधर अपने स्कूल में चार पैरों पर चलने वाली भूत रहती है जो रात को अपने स्कूल में घूमती है। अब ना मैं मम्मा मम्मा करूंगा ना रोने वाला हूँ। एक बार आने दो उस रोने के बच्चे को, बताता हूँ उसे। अरे सब लोग आ गए, छुट्टी तो नहीं हो गई? तू चला तू आए भला को टाल तू।
सब अफवाह है, शहरों में भूत प्रेत थोड़ी होते हैं। व्यर्थ में बीपी बढ़ा रहे हो। अरे चौकीदारी करने आए हो, पैसा कमाना है, बस यही करो। हाँ जी, जैसे तैसे ये सारे दरवाजे लॉक कर लूं मैं। हनुमान मंदिर गायो भट, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपी सती हूँ लोग उजागर, धाम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा गुरु गुरुदेव की नाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। बजरंगबली, जान बचाना है तो गेट पे लगाओ ताला और सरक लो यहाँ पर। ये चुड़ैल तो बच्चा बनके मेरी मति भ्रष्ट करके मुझे मारना चाहती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय कपी सती हूँ लोग, राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा गुरु गुरुदेव की नाई, जय 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 भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
जाता हूँ और किसी से हेल्प मांगता हूँ। आयुष, आयुष मैं आ गई। देखो अगर तुम सुबह स्कूल भेजने के लिए मुझसे नाराज हो ना तो आई एम रियली सॉरी। आयुष तुम्हारे लिए सरप्राइज है, हम संडे को तुम्हारी फेवरेट कार्टून फिल्म देखने जाएंगे, वो भी 3D में। अब जल्दी बाहर आओ। हेलो मिसेस खन्ना, मैं मिताली। वो आयुष आया नहीं ना अभी तक, इसलिए मुझे पूछना था कि आपकी क्लास चल रही है या खत्म हो गई। क्लास तो चल रही है लेकिन
आयुष क्लास नहीं आया आज? आयुष क्लास नहीं आया? वो तो घर में भी नहीं है, फिर कहाँ चला गया? प्लीज पता कीजिए। जी मैं पता करती हूँ, थैंक यू। फोन कर देता की मम्मी बोल रही हूँ। आयुष आपके साथ है क्या? नहीं है क्या? स्कूल में भी नहीं मिला? अच्छा ठीक है। हे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ गया मेरा बच्चा? हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। स्कूल से फोन था, मतलब वो स्कूल में है। उठना नहीं दला, मारू टकरार। जल्दी चलाइए ना प्लीज। हाँ मिताली बोलो। संजय, संजय आयुष का कोई पता नहीं, जब से वो स्कूल गया ना तब से उसकी कोई खबर ही नहीं आई है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? आयुष नहीं मिल रहा, तुम हो कहाँ पर? मैं उसके स्कूल जा रही हूँ, उसके स्कूल से फोन आया था, पता नहीं कोई अजीब सी आवाज में कुछ बोल रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। स्कूल तो भी बंद हो गया होगा, लेकिन हो सकता कि आयुष वहाँ पे हो। मिताली संभालो अपने आप को, ठीक है? आयुष को कुछ नहीं होगा,
तुम स्कूल पहुंच रहे हो, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ठीक है? प्लीज जल्दी आना, मैं बहुत घबरा रही हूँ। प्लीज डोंट वरी, आई विल बी देयर। बाबा!
तुझसे मेरी जिंदगी छीन ली थी ना, मैं तेरा बच्चा छीन लूंगी। कैरी मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मेरा यकीन करो कैरी, मेरे तुम्हें नहीं मारा। संजय संजय मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच्ची में कुछ नहीं किया, मैंने इसे नहीं मारा, मैं इसको खुद ढूंढने गई थी, ये वार नहीं थी इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। ताली संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा आयुष, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ भी हो जाए तुम वहां से मत हिलना, वहीं रहना, मैं अभी कुछ करता हूँ। कैरी मेरी बात सुनो, कैरी कैरी नहीं, कैरी कैरी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ कैरी, नहीं सुनना तुझे बोला ना। ये थी आयुष की कहानी, यानी मेरी कहानी। 5 साल बाद भी वो इंसिडेंट मेरे दिमाग में बसा हुआ। वो सब कुछ बहुत अजीब था। जो कुछ भी मैं देखा करता था, वो सब कुछ मेरे सामने हुआ। लेकिन उस बुरे इंसिडेंट की एक अच्छी बात थी कि मम्मा पापा साथ हो गए और सबकी नजरों में मैं भी मम्मा बॉय ना होकर एक बहादुर बच्चा बन गया। आई होप जो मेरे साथ हुआ वो किसी भी बच्चे के साथ ना हो। इट वॉज डैम स्केरी। JBBA स्कूल से कैरी की आत्मा हमेशा के लिए चली गई, लेकिन संजय के कहने पर स्कूल प्रिंसिपल ने एक बड़ा हवन और शुद्धि महायज्ञ करवाया, जिसके बाद फिर कभी किसी ने वहां आत्मा के होने की बात नहीं की। सही कहते हैं लोग, अंत भला तो सब भला। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल के अनुसार अक्सर देखा गया है कि वो लोग जिनकी अकाल मृत्यु होती है, उनकी आत्माएं काफी लंबे समय तक
उस जगह को नहीं छोड़ पाती जहां उनकी जान गई होती है। और अगर उनकी मृत्यु के पीछे कोई वजह होती है तो अक्सर ये आत्माएं बदला लेने की कोशिश करती हैं। कैरी के केस में भी यही हुआ और आखिर में संजय के हाथों उसे मुक्ति मिल गई।